रहती हूँ, पर जो लोग गंदे गंदे कमेंट पोस्ट रहे ना कि यहाँ पर धंधा होता है रात को 12 बजे क्या करते हो, उन लोगों को मैं नहीं देना चाहती हूँ। जो दिक्कत होती थी मतलब इतने गंदे गंदे बोलते थे वो भी कि पहले हमारे साथ ऐसे करो वैसे करो, मतलब ओल्ड कंपनी में लड़के ऐसे आते थे ना कि मालिक की साजिश हो जाती थी। अंकल ने झूठ बोला मुझसे कि मैं शूटिंग कराऊंगा, लेकर यहाँ पर आ गए। अंकल थे आपके? मतलब एक अंकल थे दिल्ली में पहली बार आए थे, तो किसी से मुलाकात हो गई थी, उन्होंने बोला कि वो ना गरीब गरीब लड़की दिखती थी उनको, वो उनको लेकर आ जाते थे, जो इनका इनाम होता था वो खुद रखते थे। तो वहाँ से बोल के लाए कि पटना में हम नौकरी करवाएंगे और यहाँ ला के थिएटर में ढकेल दिए, ऐसे लोगो को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ, मैंने जब उनको देखा उनकी बेटी को भी नचवाते, वो किसी की से मिलवाते उनकी बेटी को भी खुद नचवाते, तो इतनी शर्म आती थी, मैं उनसे क्या बोलती। में रहना है या लाइन चेंज कर, बॉलीवुड में जाना है उनको, अगर मौका मिले तो जाना है। भोजपुरी में ऊपर आया था मूवी का, पर मुझे भोजपुरी बोलने नहीं आती, मैं समझ लेती हूँ भोजपुरी नहीं बोलने जा रही थी, तो मैं अब हिंदी मूवी में काम करना चाह रही थी। पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी, बहुत परेशान थी मैं कंपनी में, मैं काम करती थी, मतलब मैंने 2-3 कंपनी चेंज किए, मतलब कंपनी में ऐसे करते थे पैसे नहीं देते थे पैसे रख लेते थे। कितने भाई बहन है आपके? 4। 2 बहन है 2 भाई है। और आपके पिताजी? उनकी डेथ हो गई है। जी। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 10th। जी। उसके आगे पढ़ाई नहीं? नहीं छूट गई थी पढ़ाई, मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था। पैसे क्यों लिए, नाच क्यों नहीं रही हो, गंदी गंदी कमेंट होते हैं कि रंडी नाच ऐसे वैसे, तो बहुत दुख होता है, फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं सोचती हूँ जैसे ये बच्चा मुझे कर रहा है वैसे मैं करूँ उनके साथ। तो कि थिएटर में शोभा सम्राट की वायरल कर, आज मेरे साथ मौजूद है, मैं खास कर उनसे मिलने ही आई हूँ और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, वो इस लाइन को क्यों चुने और इस काम को करने के लिए उनकी कोई मजबूरी रही या उनका शौक रहा या क्या कुछ रहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सब लोगों, बहुत बहुत नमस्कार है। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप किस तरह से इस क्षेत्र में आए और पहले का अनुभव कैसा रहा आपका और अभी इस काम को करते हुए आपका अनुभव कैसा रहा? पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी, बहुत परेशान थी मैं कंपनी में, मैं काम करती थी, मतलब मैंने 2-3 कंपनी चेंज किए, मतलब कंपनी में ऐसे करते थे पैसे नहीं देते थे पैसे रख लेते थे, काम कराते थे 15 दिन काम कराते थे फिर छुट्टी देते थे, बोलने काम नहीं है जाओ जाओ, ऐसे बहुत दिक्कत उठाई है, मतलब ताऊ चाचा ने घर से बाहर निकाल दिया था, हमारा घर भी नहीं था, रेंट पर रहते थे, छोटे छोटे भाई बहन है मेरे, सबसे बड़ी मैं ही थी अपने घर। आप कहाँ के रहने वाली है? मैं रहने वाली तो बिजनौर की हूँ, पर मजबूरी में मैं दिल्ली आई थी काम की तलाश में, काम ढूंढने के लिए। कितने भाई बहन है आपके? 4। 2 बहन है 2 भाई है। और आपके पिताजी? उनकी डेथ हो गई है। जी। उसके बाद आप सारा अपना घर का भार आप खुद संभाली? जी। तो शुरुआती में आप पहले जॉब करती थी प्राइवेट? जी कंपनी में जॉब करती थी। काम करा के लोग पैसे भी नहीं देते थे? नहीं बहुत दिक्कत होती थी, मतलब इतने गंदे गंदे बोलते थे वो भी कि पहले हमारे साथ ऐसे करो वैसे करो, मतलब ओल्ड कंपनी में लड़के ऐसे आते थे ना कि मालिक की साजिश हो जाती थी, तो मैं ऐसे नहीं थी, मतलब हम पहली बार दिल्ली आए थे तो वहाँ के तौर तरीके भी नहीं पता था, कंपनी में कैसे काम होता है कैसे नहीं होता था, जैसे वो बोलते थे हम लोग वैसे करते थे, पैसे नहीं देते थे। फिर वो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 10th। जी। उसके आगे पढ़ाई नहीं? नहीं छूट गई थी पढ़ाई, मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था। या फिर कहिए कि घर की जिम्मेवारियों ने पढ़ने नहीं दिया? जी ऐसे भी, और पढ़ने में मन नहीं लगता था, बस शुरू से ही मुझे मस्ती करने का, डांस वांस करने का, एक्टिंग करने का शौक था, पर पता नहीं था कि मैं यहीं पर आ जाऊंगी। अच्छा ऐसा भी तो है कि प्राइवेट नौकरी करती थी तो पैसे नहीं देते थे लोग, लेकिन कुछ अगर आप हुनर सीख लेती कुछ इसके अलावा डांसिंग के अलावा तो उसमें भी तो इनकम हो ही जाता। डांस सीखा नहीं है मैंने, मतलब कोई मुझे लेकर आ गए थे अंकल थे हमारे एक, तो मुझे पता नहीं था कि मैं थिएटर जा रही हूँ, उन्होंने बोला था कि हम शूटिंग कराने लेके जाएगा आपको पटना में, खाली मैंने नाम सुना था कि पटना एक शहर है, पटना पहली बार आई मैं वहाँ पर, अंकल ने झूठ बोला मुझसे कि मैं शूटिंग कराऊंगा, लेकर यहाँ पर आ गए। अंकल थे आपके? मतलब एक अंकल थे दिल्ली में पहली बार आए थे, तो किसी से मुलाकात हो गई थी, उन्होंने बोला कि वो ना गरीब गरीब लड़की दिखती थी उनको, वो उनको लेकर आ जाते थे, जो इनका इनाम होता था वो खुद रखते थे। कभी वो फिजिकल रिलेशन भी बनाए होंगे? नहीं नियत तो होगा ही।
नहीं वो उनको पैसे चाहिए होता था कि मैं लड़कियों को लेके जाऊँ गरीब गरीब, वो मुझे मतलब पैसे दे। वो सीधे आपको इस थिएटर में लेके आया या फिर और देह व्यापार में भी धकेलने का कोशिश की? पहले तो शूटिंग कराए थे एक दो गाने पर, मतलब किसी किसी के साथ अपने जानने वाले, फिर यहाँ पर लेकर आ गए थे थिएटर में। तो वहाँ से बोल के लाए कि पटना में हम नौकरी करवाएंगे और यहाँ ला के थिएटर में धकेल दिए, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ, मैंने जब उनको देखा, उनकी बेटी को भी नचवाते हैं, वो किसी की से मिलवाते हैं, उनकी बेटी को भी खुद नचवाते, तो इतनी शर्म आती थी, मैं उनसे क्या बोलती। ऐसा बाप जो अपनी बेटी को भी न छोड़ता हो, ऐसे लोगों के लिए बदुआ तो जरूर निकलती हो। बहुत बहुत परेशान है आज वो, उनकी दोनों आंखें खराब हो गई है, मतलब नाम नहीं लूंगी मैं, पर बहुत परेशान है आज वो लोग। कहते हैं जैसा करनी वैसा भरना, ऊपर वाला दिखा देता है ऐसे लोगों को। आपका दिनचर्या कैसा रहता है यहाँ? दिन भर का क्या क्या शेड्यूल है आपका दिनचर्या का? बस रात को 8 बजे से शुरू होता है, सुबह 4 बजे खत्म हो जाता है। सब लोग फिर खाना वाना बनाते हैं सुबह को, खा पी के खाना खुद बनाते हैं जी। यहाँ मन लगता है? हाँ लग जाता है। शुरुआत में नहीं लगता होगा, आप तो ढल गई होंगे इसी माहौल में। अब तो हाँ शुरू में नहीं लगता था, घुटन से होती थी, कहाँ बार कहाँ आ गई मैं, कैसे लोग बदतमीजी करते थे, बोलते थे एक रात का कितना लोग, बहुत गंदी बातें बोलते थे स्टेज पर, तो बहुत दुख होता था। पर अब मैंने मतलब लोगों के साथ ढलना सीख लिया, जो गंदा उनके साथ गंदा बनती हूँ और जो अच्छा होता है उनके साथ मैं अच्छा बर्ताव करती हूँ। जैसा आप रहोगे वैसा मैं बनूंगी। मैंने सीता बन के देखा पर पब्लिक को मजा नहीं आता, बोलते कि सीता क्यों खड़ी है, सीता खड़ा होने सीता नहीं यहाँ सबीता चाहिए। हाँ बोलते कि तुमने पैसे क्यों लिए, नाच क्यों नहीं रही हो, गंदी गंदी कमेंट्स बोलते कि रंडी नाच ऐसे वैसे, तो बहुत दुख होता है, फिर मुझे गुस्सा आता है। मैं सोचती हूँ जैसे ये बच्चा मुझे कर रहा है वैसे मैं करूँ उनके साथ, तो मजबूर मैंने गुस्से में गंदे गंदे कमेंट्स कर दिए थे पब्लिक को, तो वो वायरल होगा, इस वजह से मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी वीडियो वायरल होगी कभी। आप इतनी वायरल हो गई है और आपको फिल्मों का भी सुना है कि ऑफर मिला है, खेसारी लाल यादव आपको ऑफर किए हैं, तो वो है उनके साथ 1 महीने के बाद आ जाएगा। 1 महीने बाद थोड़ी लीजिए जी। तो आगे क्या करना है, आप इसी में रहना है या लाइन चेंज कर? बॉलीवुड में जाना है मुझे, तो अगर मौका मिले तो जाना है। भोजपुरी में ऑफर आया था मूवी का, पर मुझे भोजपुरी बोलने नहीं आती, मैं समझ लेती हूँ भोजपुरी नहीं बोलने जा रही थी, तो मैं अब हिंदी मूवी में काम करना चाह रही हूँ। इतना फेमस हो गई है, कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा लगता है, जो पहले बच्चा म्यूजिक करते थे आज वही लोग इज्जत करते हैं। कोई जेंट्स आता है ना, वो गंदे गंदे क्वेश्चन पूछता है कि एक रात कितने लेती हो, मीडिया वाले पूछते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे। लेकिन आपके ऐसा जो आप इंटरव्यू नहीं देती है, मीडिया के सामने आना आप नहीं चाहती है, तो ऐसे नेगेटिव बातें जाती है कि देखो फेमस हो गई तो घमंड आ गया? नहीं मैं इंटरव्यू देती हूँ, पर जो लोग गंदे गंदे कमेंट पूछते हैं ना कि यहाँ पर धंधा होता है, रात को 12 बजे क्या करते हो, उन लोगों को मैं नहीं देना चाहती हूँ। ये इंटरव्यू देती है लेकिन हाँ उन लोगों से परहेज करती है जो गंदे गंदे सवाल पूछते हैं, और ये अगर इंटरव्यू देना नहीं चाहती है किसी को तो उसे नेगेटिव वे में ना ले, क्योंकि लोगों के गंदे सवालों से बचने के कारण ये इंटरव्यू देना नहीं चाहती, कैमरा के सामने नहीं आना चाहती। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।